क्रोकोडाइल फर्स्ट इज क्रोकोडाइल सेकेंड कैमलियन कैमलियन मीन्स गिरगिट थर्ड स्नेक जैसा कि आप जानते हैं सांप और फोर्थ फ्रॉग मीन्स टोट भी बोलते हैं हम इसको मीटक ओके इन दिस पोएम द पोएट इज टाकिंग अबाउट द क्रोकोडाइल डैट लिव इन द रिवर नाइल इस पोएम में जो पोएट है वो किसके बारे, है? मगरमच, बारे में बात कर रहा है एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल के बात बारे में बात कर रहा है जो रिवर मिस नदी नाइल जिसका नाम है नील नदी उसके बारे में बात कर रहा है ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोयम हाउ डज द लिटिल लिटिलइल इम्प्रूव शाइनिंग टेल एंड फॉर द वाटर्स ऑफ द नाइफ ऑन एवरी गोल्डन स्केल अब इसमें जो है पोएट द पोएट पोयट पोएट बताता है कि कैसे जो क्रोकोडाइल है वो इम्प्रूव रिशाइनिंग टेल मीन अपनी जो टेल है उसको चमकाता है मीन्स इसमें इम्प्रूवमेंट करता है सुधार करता है कैसे उसको चमकाता है पोर द वाटर्स कि उसके ऊपर वो पानी डालता है किसका नील नदी का जो नायल नील नदी है उसका पानी डालता है एवरी गोल्डन गोल्डन स्केल मीस जो इसके ऊपर ये धारियाँ होती हैं जो सुनहरे कलर की धारियाँ हैं आप देख रहे हैं इसमें कोकोल के ऊपर तो इनको वो कैसे चमकाता है नील नदी का पानी डालकर हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू win और वो कितनी प्रसन्नता से जो है वो ग्रीन करता है मुस्कराता है बड़ा ही खुश होकर वो मुस्कराता है हाउ नीटली इस पैर सीज क्लॉज और कितनी सफाई से वह है? अपने क्लोज में पंजे अपने पंजों को फैलाता है क्लोज मिस क्या होता है फीट ऑफ एनिमल किसी भी जानवर के जो फीट पैर होते हैं उसको हम क्लोज बोलते हैं पंजे ओके एंड वेलकम्स लिटिल फिशेज इन और वो स्वागत करता है छोटी छोटी मछलियों का बिथ जेंटली स्माइलिंग जॉर्ज जॉर्ज मीन्स जबड़े जाबोन जो आपका भी जबड़ा होता है ना ऊपर जिसमें टी होते हैं जा आप जाड़ बोलते हो उसको कहते हैं जाड़ तो वो अपने बड़े ही मुस्कराते हुए जबड़ों से धीरे से छोटी छोटी फिश का मछलियों का स्वागत करता है कौन करता है मगरमच्छ कहने का यह अर्थ यह है कि पोएट जो है वो हमें यह बताता है इसके माध्यम से पोएम के माध्यम से बताता है मैसेज देता है कि वेरियस पीपल इन द वर्ल्ड हु आउटवर्डली सी फ्रेंडली बट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट इनोसेंट पीपल हु मे बी अन अवेयर ऑफ देयर रियल मेलिशियस इंटेंशंस तो जो पोएट है वो यह कहता है कि कुछ लोग हैं वो बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लुकिंग होते हैं बैड ब्यूटीफुल और मुस्कराते भी हैं लेकिन उनकी जो स्माइल है वो कैसी होती है फेक झूठी होती है कि वो अंदर से उनका इरादा और कुछ होता है सो माई डियर स्टूडेंट्स हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए तो इसके द्वारा हमें पोएट ने यही वार्निंग दी है कि हमें वी शुड बी केयरफुल विद विथ पीपल लाइक क्रोकोडाइल के ऐसे जो लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए जैसे जो मगरमच्छ है वो मुस्कराता है लेकिन उसमें उसका इंटेंशन छिपा हुआ है क्या मछलियों का शिकार करने का ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेट्स डू न्यू वर्स लेसन नाइन पोयम नेम क्रोकोडाइल मिस मगरमच पोयम मिस कविता और पोएट कवि लेविस कैरोल जिन्होंने यह पोयम लिखी है क्या नाम है उसका लेविस कैरोल न्यू वर्स एंड मीनिंग्स फर्स्ट इम्प्रूव टू मेक बेटर सुधार करना कि और अच्छा करना सेकेंड पोर मीस टू फ्लो डालना या उडालना जैसे कोई चीज़ हम डालते हैं थर्ड ग्रीन ग्रीन मीस स्माइल मुस्कराना हंसी कि झूठी हँसी जो होती है उसको बोलते हैं ग्रीन फोर्थ स्प्रेड स्ट्रेच आउट फैलाना फिफ्थ क्लोज द फीट ऑफ एनिमल पंजे सिक्स जेंटली माइल्डली कोमलता से सेवेंथ चरफुली हैपीली खुशी से एट जॉर्ज मीस जाऊन जबड़े ओके स्टूडेंट्स लेट्स डू लेट्स डू रीडिंग कॉम्प्रेंसन फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट द क्रोकोडाइड इम्प्रूव ही वो किसको चमकता है टेल मींस पूज तो बी आंसर इज राइट सेकेंड ही पोर्स द वाटर ऑफ द रिवर ऑन हीज वो नदी का जो पानी है वो कहाँ पर डालता है अपने स्केल्स जो उसके ऊपर निशान होते हैं स्केल्स ओके थर्ड ही ग्रीन्स वो कैसे मुस्कराता है चीयरफुली ए आंसर इज राइट प्रसन्नता से ओके okay. या खुशी से फोर्थ ही वेलकम्स लिटिल वो किसका स्वागत करता है फीसे छोटी छोटी मछलियों का तो सी आंसर इज राइट

नाइल जो नील नदी है उसका सेंस मिस रेत रेत को डालता है अपनी स्केल्स पर नहीं किसको डालता था वो पानी को वाटर सो इट इज फॉल्स इसलिए ये रोंग है एफ आंसर थर्ड ही नीटली स्प्रेड्स ही टीथ वो बड़ी सफाई से अपने दांतों को फैलाता है फॉल्स दिस इज रोंग किसको फैलाता है अपने जॉर्ज उसको इसलिए ये रॉन्ग है ही वेलकम्स लिटिल फिश विद इज स्माइलिंग जो वो स्वागत करता है छोटी छोटी मछलियों का अपने मुस्कुराते हुए जबड़े से यस दिस इज राइट ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाट डज द क्रोकोडाइल इम्प्रूव क्रोकोडाइल जो है किस में सुधार करता है क्या इम्प्रूव कर किस में इम्प्रूव करता है आंसर द क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज साइनिंग टेल वो अपनी चमकती हुई पूंछ में सुधार करता है उसको सुधारता है सेकंड वाट डज द पोर ऑन हीज स्केल वह क्या डालता है अपनी स्केल्स पर तो हम आंसर में से लिखेंगे ही से लिखेंगे ही पोर्स द वाटर अब पोर् में हमने ऐसे स्केल लगाया क्योंकि यहाँ पर डच है डच को हमने रिमूव किया तो ही पोर्स द वाटर्स ऑफ द नाइज ऑन हीज स्केल्स ओके थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज ही स्प्रेड नीटली वो किस चीज को सफाई से फैलाता है ही आंसर ही स्प्रेड नीटली हिज क्लोज वो अपने पंजों को क्लोजिंग पंजों को फैलाता है ओके लेट्स डू सेकेंड आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कंटेस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था रेफरेंस टू कंटेस्ट मीन क्या होता है कि एक कोई भी आपका जैसे चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें से उसमें पैराग्राफ होता है ये आपकी पोइट्री है इसमें अब पोयम पढ़ी है हमने तो इसमें स्टैंजा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं स्टैंजा तो इसमें एक स्टैंजा दिया हुआ है हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू ग्रीन हाउ नीटली स्पेस हिज क्लॉथ एंड वेलकम्स लिटिल फिश इन बिग जेंटली स्माइलिंग जॉज तो इसके आधार पर नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हु इज ही हाउ डज ही वेलकम लिटिल फिशिंग हुईज ही इस क्वेश्चन में ही कौन है ही इज क्रोकोडाइल ही किसके लिए आए क्रोकोडाइल हाउ डज ही वेलकम लिटिल फिशिज वो कैसे स्वागत करता है छोटी छोटी मछलियों का ही वेलकम्स लिटिल फिशिज विद इस्माइलिंग जॉज वह मुस्कराते हुए वेलकम करता है सेकेंड क्वेश्चन फिज वर्ड रिथ क्लॉज राइमिंग वर्स मैंने आपको पहले ही बताया राइमिंग वर्स क्या होता है तुकवंदी शब्द उसमें सेम साउंड आता है जॉज वर्ड राइंग विद क्लोज जैसे क्लोज में आज आ रहा है एंड में ऐसे ही जे डब्ल्यू एस जॉज इज राइमिंग वर्ड विद क्लोज ओके स्टूडेंट्स ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे बाय बाय